दोस्तों अपने चैनल का यूट्यूब स्टूडियो बार बार मत खोलना, आपका जो चैनल है वो डेड हो जाएगा, व्यूज आना बंद हो जाएंगे। डेली बेसिस पे आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को कितनी दफा ओपन कर सकते हैं, यही क्वेश्चन चल रहे हैं ना आपके माइंड में कि यार यूट्यूब स्टूडियो को बार बार ओपन करने से क्या आपका चैनल डेड हो जाएगा, यूट्यूब आपके चैनल को फ्रीज कर देगा, यूट्यूब स्टूडियो बार बार ओपन करने से क्या आपकी वीडियोस पे 10 15 या 20 या 30 व्यूज आएंगे, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। दोस्तों मुझे पता है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं यूट्यूब स्टूडियो के हवाले से आपको तंग कर रहे हैं। अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि यूट्यूब को डेली बेसिस पे कितनी दफा ओपन करना चाहिए, आपकी वीडियो जो है वो डेड तो नहीं हो जाएगी, आपका चैनल बेकार तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं, आपने बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको फ्यूचर में तमाम वीडियोस बरवक्त मौसूल होती रहें। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, आप परेशान होते हैं, तो यार आज की वीडियो में मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूं। आपने यूट्यूब स्टूडियो से आइडियाज लेने हैं, मार्केट में क्या सर्च हो रहा है, किस तरह के टॉपिक्स को देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कौन सी वीडियो का आपका सेगमेंट ऑडियंस लूज कर रही है, आपकी वीडियो को छोड़ के जा रही है, लिहाजा आपने उन उन सेगमेंट्स पे काम करना है। आपकी जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है जो मार्केट में सर्च हो रहे हैं, आपने वही वाले कीवर्ड अपनी वीडियोज में लगाने हैं। ये सारा कुछ आपको कहां से मिलता है, आपको वीडियो अपलोड करने की टाइमिंग तक आपको YouTube स्टूडियो देता है, आपकी वीडियो को किस किस कंट्री में देखा जा रहा है, किस एज के लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग YouTube स्टूडियो में आपको मिलता है। तो इससे आपके चैनल पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको यह कहता है कि इससे चैनल आपका बिल्कुल डेड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वीडियो फ्रीज हो जाएंगी, तो लिहाजा ये सारी अफवाहें हैं। आपने अपने जो कान है यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकाल देना है और फोकस करके अपनी वीडियोस पे काम करना है, कंटेंट पे काम करना है और काम करके अपने चैनल को वायरल करना है। यूट्यूब स्टूडियो का आप सहारा लें, सहारा लेकर अपने चैनल को ग्रो करें। अब मैं दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूँ। आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि यार यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने से क्या आपका चैनल डेड हो जाएगा। दोस्तों इससे आपका जो चैनल है बिल्कुल डेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि YouTube स्टूडियो जो ऐप है वो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए बनाई गई है, आपके चैनल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बनाई गई है, लिहाजा इससे आपका चैनल बिल्कुल डेड नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि डेली बेसिस पे कितनी दफ़ा आप अपने YouTube स्टूडियो को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों डेली बेसिस पे जितनी मर्जी दफ़ा अपने YouTube स्टूडियो को ओपन करें, इसका भी आपके चैनल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तीसरे नंबर पे आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या YouTube स्टूडियो को बार बार ओपन करने से आपके व्यूज आना बंद हो जाएंगे, आपका जो चैनल है वो डेड हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, आपका चैनल इससे बिल्कुल बेकार नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि 1% भी आपके चैनल को नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो में जनाब मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये स्टैंप लगा के जनाब मैं देता हूँ, इससे आपके चैनल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, जितनी मर्जी दफ़ा खोलें, लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको ऑपरेट करना है। 30 मिनट बाद चेक करना है, फिर आपने 3 घंटे बाद चेक करना है, आपको प्रॉपर एनालिटिक्स शो होंगे, जब शो हो जाएंगे तो फिर आपने उसके मुताबिक अपना जो फ्यूचर का प्लान है वो इम्प्लीमेंट करना है और अपनी वीडियोस को वायरल करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको फ्यूचर में तमाम वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें।